क्रियाकलाप 51 की जो मैं बात कर रही थी, ठीक है। प्रश्न हमारा वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। स्वयं के बारे में सोचें, अपने आसपास उपलब्ध मानव संसाधन की सूची बनाएं और उस पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है। ज्ञान है, किन क्षेत्रों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उत्प्रेरण, किन क्रियाकलापों को करने आपको अधिक से अधिक आनंद आता है। कौशल है, आप किस काम को सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। समय है, दिन में कौन सी अवधि में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं, मतलब आप दिन भर में कब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आप, ठीक है। क्या आप अधिकतर ऊर्जा युक्त और रुचिहीन थका हुआ महसूस करते हैं। आप में ऊर्जा का लेवल कितना है, आप में मतलब आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, आप किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी रुचि कितनी है, ठीक है। तो इसके उत्तर के तहत में है ये आपको बच्चों आपकी जो प्रैक्टिकल की फाइल है उसके अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है। ये वाला क्रियाकलाप आपको करना है। स्वयं के पास उपलब्ध मानव संसाधन की सूची, मानव आप कक्षा 11 के छात्र हैं। ज्ञान के बारे में लिखना है, वैसे तो कक्षा 11 के सभी पाठ्यपुस्तक ज्ञानवर्धक हैं और आपकी उनकी विषय वस्तु का मुझे आवश्यक ज्ञान है, परंतु गृह विज्ञान व चित्रकला ज्ञान विशेष रूप से है, ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेरण रुचि, आपकी रुचि किस प्रकार है। मुझे विभिन्न शैलियों के चित्र बनाने की विशेष रुचि है, साथ ही मैं अपनी प्रेरणा के अनुरूप तथा साहित्य पठन, नृत्य व अन्य शौक को पूर्ण करने का प्रयत्न करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कौशल, दक्षमताएं, रुझान। मेरा रुझान फुटबॉल खेलने में होता है, साथ ही क्रिकेट खेलने में भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ ताकि क्रिकेट सक्रिय रूप से मैं टीम में शामिल हो सकूँ। समय, मैं स्कूल के दौरान काफ़ी सक्रिय रहती हूँ, कभी कभी सायकाल में मित्रों के साथ खेलने जाती हूँ तो भी सक्रिय रहती हूँ। ऊर्जा, मैं हमेशा ऊर्जावान व सामर्थ्यवान रहती हूँ। मेरी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, व्यक्तिगत अधिकतर ओज व तेज से परिपूर्ण है, ठीक है। ये इसके क्रियाकलाप 51 का मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है।